जानलेवा कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है। देश भर में एक बार फिर कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। 161 दिन बाद रिकॉर्ड पहली बार 65,000 से ज्यादा कोरोना केस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 62,258 नए कोरोना केस आए और 251 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 30,386 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 16 अक्टूबर 2020 को 62,212 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। आज देश में कोरोना की स्थिति, कुल मामले 1,19,08,910, कुल डिस्चार्ज 1,12,95,000, कुल एक्टिव केस 4,52,647, कुल मौतें 1,61,240, कुल टीकाकरण 5,81,09,773। जी हाँ, एक समय ऐसा था जब देश में कोरोना संक्रमण की संख्या घटने लगी थी। इस साल 1 फरवरी को 8,635 नए कोरोना केस दर्ज किए गए थे। एक दिन में कोरोना मामलों की ये संख्या इस साल सबसे कम है। वहीं देश में 16 जनवरी को कोरोना का टीका लगाए जाने के अभियान की शुरुआत हुई थी। कोरोना टीकाकरण के 70वें दिन तक कुल 5,81,09,773 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। बीते दिन कुल 26,05,000 वैक्सीन की खुराक दी गई। वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से शुरू हुआ था। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी।